हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम रिले के लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे इससे पहले हमने पीएलसी और रिले या रिले बेस्ड सर्किट के ऊपर जो वीडियो बनाए थे उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं तो पीएलसी के इन्वेंशन से पहले इंडस्ट्रीज़ में किसी प्रोसेस को कंट्रोल प्रोवाइड करने के लिए रिले लॉजिक का यूज़ किया जाता था लेकिन इन सिस्टम से कुछ इन सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस थी जो निम्नलिखित हैं चूँकि ये हार्डवेयर लॉजिक है इसके द्वारा बनाया गया कंट्रोल सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि सभी कंपोनेंट्स बायर एंड वायर्स एक क्लस्टर के फॉर्म में आ जाते हैं यहाँ पर हार्डवेयर पार्ट का जा, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है जिसके कारण इसका जो पैनल होता है उस पैनल पर हार्डवेयर इतनी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं ये उपस्थित होते हैं कि वहाँ पर सभी कंपोनेंट और सभी बायर्स एक क्लस्टर की तरह देखने लगते हैं क्लस्टर मतलब एक गुच्छे की तरह देखने लगते हैं एक रिले बेस्ड कंट्रोल सिस्टम बनाने के लिए इनमें कुछ स्पेशल फंक्शन का यूज़ किया जाता है जैसे टाइमर काउंटर रजिस्टर आदि इन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है अथा इन फंक्शंस का यूज़ करने पर रिले रिले पैनल कॉम्प्लेक्स एंड बल हो जाता है जब हम रिले की हेल्प से रिले की हेल्प से हम कोई भी फंक इस कोई भी कंट्रोल सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं या कोई भी सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर हमें स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए कुछ सर्किट की रिक्वायरमेंट्स होती है जैसे टाइमर है काउंटर है या सिक्वेंसर है इन सभी को हमें जब रिले के द्वारा हम इन सबको ऑपरेट कराएंगे तो उनके लिए हमें अलग से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट की रिक्वायरमेंट होगी जब उसमें ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का यूज़ होगा तो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट यूज़ होने के कारण उनका पैनल बल्कि हो जाता है और इनमें जो आ, इनकी इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक्स होती है इन टेक्निक्स के द्वारा जब हम इनको इंप्लीमेंट करते हैं तो वहां पर हर एक स्टेप पर हमें एक हार्डवायर की रिक्वायरमेंट होती है तो उस कारण इसका पैनल काफी ज्यादा बल्की हो जाता है और ज्यादा कंपोनेंट्स एंड बायर का वायरिंग यू, का यूज होने के कारण वह कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है लॉन्ग टाइम कंटिन्यूस यूज होने के कारण कॉन्टेक्ट डैमेज हो जाते हैं कॉन्टैक्ट के एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन एनओ एन और एन uh, सी के टाइम पर uh, पर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में काफ़ी नॉइज़ जनरेट होती है uh, और हम ये भी कह सकते हैं कि जब बार बार इनके कॉन्टैक्ट चेंज होते हैं जैसे uh, कोई भी इवेंट हो रही है उस इवेंट के बाद जैसे ही अगली इवेंट परफॉर्म होगी तो उससे पहले जो कॉन्टैक्ट चेंज होंगे या टाइम के साथ बार बार जो कॉन्टैक्ट चेंज हो रहे होंगे तो वहाँ हमें वियर एंड टेयर्स जैसी भी प्रॉब्लम्स का हमें वहाँ पर सामना करना पड़ता है वियर एंड टेयर्स मतलब एक तरीके से टूट फूट उनके कॉन्टैक्ट में कोई भी कॉन्टैक्ट डैमेज हो जाते हैं या उनके कॉन्टैक्ट में टूट फूट होती है उसका भी हमें सामना करना पड़ता है इसके बाद अगली हमारी इसकी लिमिटेशंस है जब किसी रिले पैनल के द्वारा लेडर डायग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो लेडर डायग्राम के ऑब्जेक्ट को सेटिस्फाई करता है जब भी हम किसी रिले पैनल के द्वारा लेडर डायग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये उसके ऑब्जेक्ट को सेटिस्फाई करता है लेकिन यदि हमें उसकी इवेंट में कोई चेंजेस लाने हों या कोई चेंजेस करने हो, तो इस चेंज को करने के लिए हमें उसकी रिवायरिंग करनी होती है और जब ये पैनल इतना ज़्यादा बल्की होता है और वहाँ पर इतने ज़्यादा हार्डवेयर पार्ट होता है और साथ में इतने ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं कि इनकी रिवायरिंग करना हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और यह काम काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है रिले बेस सर्किट में कंट्रोलिंग रोल प्ले करती है मॉनिटरिंग रिले के साथ करना इजी नहीं होता रिले बेस सर्किट के द्वारा हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं अगर हम चाहें किसी, कि किसी की हमें किसी प्रोसेस की हमें मॉनिटरिंग करना है तो ये हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होगा रिले बेस्ड कंट्रोल सिस्टम में स्विचिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है जो रिले बेस्ड सर्किट होते हैं या रिले बेस्ड जो कंट्रोल सिस्टम होते हैं उनका स्विचिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है जबकि हम इनकी जगह पीएलसी का यूज़ करते हैं तो ये स्विचिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है ये कई नैनो सेकेंड में टास्क को परफॉर्म करती है तो ये हमारी रिले आ, रिले सिस्टम के ऊपर या हम ये बोलें कि रिले के लिमिटेशंस थी अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपको अगर ये वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग